हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आइए, आज हम लोग लास्ट डे जो देखा था कि भारतीय संविधान में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की जो व्यवस्था की गई है, इस क्रम में हम लोगों ने देखा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के तहत क्या उनको उन लिए प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा करी कि कब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग से अनुसूचित जनजाति आयोग का विघटन हुआ, कैसे कैसे उनकी शासन कार्य पद्धति कैसे होती है, कैसे उनके आयोग जो है वर्क कैसे करता है, उनके सदस्यों की संख्या क्या है, इन तमाम सारे पहलुओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज बाकी शेष जो दो बचे हुए हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय और पिछड़ा वर्ग आयोग जो है हमारा, यानी पिछड़ी जाति के जो लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है संविधान में या आयोग का जो गठन करने की पावर दी गई है, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आंग्ल भारतीय समुदाय को लेकर के। देखिए, आंग्ल भारतीय समुदाय आप लोग बहुत दिनों से सुनते आए होंगे, आपने देखा होगा आंग्ल भारतीय समुदाय बार बार आपको न्यूज़ में सुनने में आता है। जब ये लोकसभा वगैरह के चुनाव होते हैं या राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो ये मुद्दा काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय एक्चुअल में है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी भारतीय संविधान में रखने के लिए। तो साथ ही साथ मैं अभी आपको बता दूं कि जो ये आंग्ल भारतीय समुदाय है, इनका प्रतिनिधित्व हमारी संसद में भी है और राज्यों की विधान सभाओं में भी इनको स्थान दिया गया है। आप देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को नियुक्त करने की शक्ति रखते हैं यदि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, और राज्यपाल राज्यों में विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नियुक्त करने की शक्ति रखते हैं यदि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये जो आपके तमाम सारे जो विषय आ रहे हैं, यानी कि अनुच्छेद 331 और 333 अगर आप देखेंगे, तो अनुच्छेद अभी जो मैंने आपसे बात करी कि अनुच्छेद 300 मैंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय के पास शक्ति है कि जिसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में दो स्थान दिया जाए उनके लिए, तो अनुच्छेद 331 में ये प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 333 में प्रावधान किया गया है कि राज्यों की जो विधानसभाएँ हैं, यानी राज्य विधानमंडल में की जो विधानसभा जो है उनकी जो सदन है निम्न सदन, इसमें एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 333 में प्रावधान किया गया है। तो ये आंग्ल भारतीय समुदाय होते कौन हैं और ये कब से आए और अभी तक भारतीय संविधान में क्यों बने हुए हैं, समय समय पर यह भी चर्चा देखने को मिलती है कि कहा जाता है, और अभी आपने हाल ही में चुनाव जो लास्ट हुए उसमें देखा कि मतलब इनके प्रतिनिधित्व को समाप्त करने की बात कही जाती है, जैसे आरक्षण को समाप्त करने की बात कही जा रही थी कि SC ST के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, तो सरकार ने उसको एक्सटेंड कर दिया, अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। उसी तरह से आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी व्यवस्था थी कि 2020 तक इसको समाप्त कर दिया जाए और इनका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सरकार ने इसको भी एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया आगे के वर्षों के लिए, उसके बाद विचार किया जाएगा कि इनकी सदस्यता मतलब इनको जो सीटें दी जाती है आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण दिया जाए कि न दिया जाए, ठीक है, ये व्यवस्था इसमें प्रावधान किया गया। देखिए, आंग्ल भारतीय समुदाय होते कौन है, एक्चुअल में क्या है कि उस दौर में जब हम लोग गुलाम थे, भारत गुलाम था, उस समय जो अंग्रेज अधिकारी ऑफिसर्स आकर के यहाँ पर स्टे करते थे और उनका यहाँ की भारतीय महिला से एक तरह से कहिए कोई अफेयर हो जाता था, और या उनके साथ कहिए कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले बच्चे भी और ख़ासतौर से अफेयर के जो बच्चे रहते थे, यानी कि कहिए कि पुरुष पिता, विदेशी पुरुष पिता या अंग्रेज पुरुष पिता जो हो और भारतीय महिला, उसके द्वारा जन्मा बच्चा जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का बच्चा कहलाता है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग कहलाते हैं।
अब होता क्या था कि जो अंग्रेज़ होते थे यहाँ पर आते थे, अपनी सेवा देते थे, सरकारी सेवा में रहते थे, तो उनका किन्हीं कार्डों से एक तरह से कहिए प्रेम प्रसंग कह सकते हैं आप इसको, या कह सकते हैं वैवाहिक रिलेशन स्थापित हो गए, और वो यहाँ पर उनके द्वारा जो बच्चे का जन्म हुआ, और फिर वो जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो उन लोगों को अपने साथ नहीं ले गए, जो भी कारण रहे हों, किन कारणों से नहीं ले गए, शायद वो अपनी ज़रूरतों के लिए यहाँ पर विवाह किए रहे होंगे, या जो भी अपने कारण रहे हों, उनके अपने व्यक्तिगत कारण थे, तो वो इन लोगों को अपने साथ विदेश नहीं ले गए, मतलब अपने देश जहाँ से आए थे इंग्लैंड से वहाँ नहीं ले गए, तो उनके द्वारा मतलब वो लोग यहीं रह गए, तो वो माँ रह गई, उनके बच्चे रह गए यहाँ पर, तो ये वही लोग हैं, वही माँ के बच्चे हैं जो अंग्रेज़ पिता और भारतीय माता से उत्पन्न हुए हैं, इन्हें ही आंग्ल भारतीय लोग कहलाते हैं, और इन्हीं को ही आरक्षण देने की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 और 333 के तहत दी गई है। 331 के तहत संसद में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि लोकसभा में उसको सीटें, उनके लिए 2 सीटें रिजर्व करें अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, और राज्य विधानसभाओं को यह शक्ति दी गई है अनुच्छेद 333 के तहत कि राज्यपाल प्रतिनिधित्व न होने पर आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का 1 सीट वहाँ पर रिजर्व किया जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग आंग्ल भारतीय समुदाय क्या है। तो ये वही लोग हैं जो भारतीय माता और ब्रिटिश पिता के संतान जो होते हैं, या कहीं उनके वंशज जो हैं, इनके थ्रू जो आगे चल करके आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ज़माने की बात है, अंग्रेज तो 47 में ही चले गए और फिर उसके बाद में ये कैसे रह गया अभी तक, कैसे इतने लंबे समय तक, तो उनके बच्चे के उनके बच्चे का सेंस जो होता है ना, उस तरह के क्रम में ये चल रहा है, इस कारण से ये आरक्षण इस तरह से सुविधाएं मिली हुई हैं। ठीक है, आइए थोड़ा और डिटेल देखते हैं कि अनुच्छेदों में और क्या बातें बताई गई हैं। जैसे मैंने भी बताया कि विधान के बारे में अनुच्छेद 330 और 332 जो था आपका, ये क्या था, आपको संसद को एक तरह से कहिए कि शक्ति दी गई, राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी कि अनुसूचित जाति के लोगों को एक तरह से कहिए कि प्रतिनिधित्व देने के बारे में, मतलब लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने के बारे में था, जो 84 सीटें आप लोगों ने देखी थी, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रावधान किया गया था, ये लोकसभा में ये व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके अलावा आपने क्या विधानमंडलों में भी देखा था, अनुच्छेद 332 के तहत बताया गया कि राज्य विधानमंडलों में भी उनको सीटें आरक्षित रहेंगी, जिस हिसाब से अब आरक्षण का क्रम भी मैंने कल बताया था आप लोगों को कि इस रूप में होगा कि प्रतिनिधित्व उस स्टेट में उस जनसंख्या का, उस आबादी का, यानी एससी का या एसटी का प्रतिनिधित्व कितना है, उसके आधार पर सीटें आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, ये समान आरक्षण के फार्मूले पे वर्क नहीं कर रहा है, नहीं करता है, और अगर उस फार्मूले पे वर्क करता, अगर जनसंख्या उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है तो उसके अनुरूप भी कार्य करता है। ठीक है, अगर कहीं जनसंख्या नहीं है एससी की तो उस राज्य में विधानसभाओं में उनको आरक्षित सीटें नहीं मिली हुई, जैसा कि मैंने कल बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, कुछ जगहों पर पंचायतों के चुनाव में या इस तरह की चीज़ों में आप लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग लास्ट वीडियो जो है। आइए इसको और डिटेल करते हैं, अनुच्छेदों को एक एक करके बारीकी से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसमें और क्या गूढ़ता है और क्या चीज़ें इसमें हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, इसमें पहले मैंने भी आपको जैसे जिक्र किया कि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के संदर्भ में, तो मैंने बताया आपको संविधान के अनुच्छेद 331 और 333 के तहत जो प्रावधान किया गया है, ये के तहत लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में बात की गई है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में व्यवस्था दी गई है किसके लिए, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की, और अनुच्छेद 333 में राज्य विधानमंडलों में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। किसको, यहाँ पर राज्यों के विधानमंडलों में देखेंगे तो आदरणीय राज्यपाल महोदय दिखाई देंगे इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, और अगर हम बात करेंगे कि संसद के लोकसभा के बारे में तो वहाँ राष्ट्रपति, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय हमको दिखाई देंगे कि वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व को दिलाने में। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, अनुच्छेद 336 के 1 व 2 में क्या बात बताई गई है। इसके अनुसार कहा गया है कि आंग्ल भारतीय भारतीयों को नौकरियों में आरक्षण प्राप्त है, तथा देखिए भारतीयों को, आंग्ल भारतीय जो मतलब लोग हैं, इनको लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में तो आरक्षण प्राप्त ही प्राप्त हैं,
साथ ही साथ अनुच्छेद 336 के तहत देखेंगे। देखिए आरक्षण कहाँ प्राप्त है, लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण इनको प्राप्त है। इसके लिए आर्टिकल मैंने बताया 331 संसद के लिए है, यानी संसद मींस लोकसभा के लिए है, और 333 जो है वो किसके लिए है, विधानमंडलों के लिए है, ठीक है, विधानमंडल यानी विधानसभाओं के लिए, ठीक है। इसके अलावा नौकरी में आरक्षण की जो बात कहता है, नौकरी में जैसे एससी एसटी को भी आरक्षण दिया गया है, उसी तरह से आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को भी इसी नौकरी में जॉब्स में आरक्षण दिए गए हैं। उसमें 336 के एक और दो में ये बात बताई गई है कि कोई आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति है तो उसको सरकारी सेवा में नौकरी में भी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अनुच्छेद 337 में जो बात बताई गई उसमें कहा गया है आंग्ल भारतीय छात्रों को शिक्षा में विशेष अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 336 के एक दो और अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 336 के एक दो में बताया गया है नौकरी में आरक्षण आंग्ल भारतीय समुदाय को देने की बात कही गई है। वहीं शिक्षण संस्थानों की बात अगर हम करेंगे, शिक्षण तो वहाँ पर भी कुछ उपबंधित किए गए हैं, शिक्षण संस्थानों में उनको आरक्षण देने की जो बात कही गई है, मतलब विशेष अनुदान देने की बात कही, शिक्षा के लिए अनुदान उनको दिया जाएगा, यानी कही कि स्कॉलरशिप वगैरह देने की जो व्यवस्था की गई है वो जैसे देखिए एससी एसटी को स्कॉलरशिप मिलती है, उसी तरह से आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को भी स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया, अल्पसंख्यकों के लिए भी सरकारें बताती व्यवस्था करती है शुल्क देने के लिए, एक तरह से कही प्रावधान करती है कि उनको भी सब्सिडी दी जाए, उनको एक तरह से कही सुविधा दी जाए या प्रावधान विशेष अनुदान दिया जाए उन्हें, इस तरह का प्रावधान। तो ये आप ध्यान रखिएगा 337 जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विशेष अनुदान देने की व्यवस्था की जाती है, अनुदान में आपको स्कॉलरशिप के तौर पे ही चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, आगे की शेष पढ़ाई के लिए, ठीक है। ये तो बात हो गई, तो अनुच्छेद 336 337 आपको पता हो गया, अनुच्छेद 331 और 333 पता हो गया, क्या बातें बताते हैं। अब आगे देखते हैं, पुरानी चीज़ थोड़ी रिकॉल करते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 और 332 में आपने देखा प्रावधान था ही, 330 जो है संसद में उनको सीटें दिलाने की बात कर रहा था, और 332 जो है राज्य विधानमंडलों में सीट उनको आरक्षित दिलाने की बात करता है, वही बात है। आगे बच्चों है क्या, आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 331 और 333 जो अभी हम लोगों ने चर्चा विशद रूप में की उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं, किया गया है संविधान के प्रारंभ में के 10 वर्ष। अच्छा, ये चीज़ बड़ी दिलचस्प ये भी है, मैंने आपसे कल काफ़ी लंबी इस पर हम लोगों की चर्चा हुई थी जिसमें हमने बताया था कि ये जो आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में कुछ विशेष वर्गों के लिए, यानी एससी एसटी ओबीसी और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो व्यवस्था दी गई थी ये मात्र 10 ईयर्स के लिए थी, यानी 10 सालों के लिए थी। तो उसी तरह से आंग्ल भारतीय समुदाय को जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है, सुविधाएं दी जा रही है, वो 10 सालों के लिए दी गई थी। लेकिन समय के साथ साथ मैंने आपसे बताया था कि राजनीतिक एक तरह से कहिए लाभ लेने के चक्कर में लोगों ने इसको एक्सटेंड करते हुए काफ़ी लंबे समय तक बढ़ाया, या कहिए प्रतिनिधित्व जिस मकसद के साथ प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी वो विज़न पूरा नहीं हो पाया, तो इस नाते सरकार ने इसको जो भविष्य की सरकारें थी, पास्ट की जो सरकारें थी, उन्होंने इसको भविष्य के लिए एक्सटेंड करते चले गए और आज तक ये ऐसा ही होता आ रहा है, ठीक है। तो क्या है इसमें, ये संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष तक यानी कि 1960 तक के लिए यह प्रावधान किया गया था, किंतु प्रत्येक 10 वर्ष पर इस अवधि को बढ़ाया जाता रहा है, ठीक है। वर्तमान में इसमें एक बड़ा सुधार किया गया, बेहतर तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में। वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन जो कि 2009 में किया गया था, 2009 में किया गया क्या, 95वां संविधान संशोधन किया गया, और इस अवधि को क्या कर दिया गया, फिर बढ़ा करके एक्सटेंड करके 2020 तक के लिए कर दिया गया था, और आगे फिर इसको एक्सटेंड करके आगे के अगले 10 सालों के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, और ये जो बढ़ा दिया गया का ये जो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 333 के लिए राज्य विधानमंडलों में आपने देखा है सीटों को बढ़ाने की बात कही जाती है, तो वो आपका इसके तहत है, ठीक है। तो ये तो आपका थोड़ा सा था आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए, टॉपिक थोड़ा छोटा है, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन यहीं से संभवतः मिल जाएंगे, और इसके बारे में आप समझ चुके होंगे डिटेल में कि आंग्ल भारतीय समुदाय किसे कहते हैं, तो अब मुझे लगता है इसका कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग कौन होते हैं और इनका क्या रोल है, किन संविधान में किस तरह से आरक्षण। तो इसमें कुल टोटल 4 अनुच्छेद आपको थोड़े याद रखने होंगे, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 336 और अनुच्छेद
37 के बारे में। ये लगातार आपके चार आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। इन चार आर्टिकल्स में विशेष प्रावधान किया गया, मैं फिर से एक बार जिक्र कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। 331 में क्या किया गया, संसद में इनको सीटें आरक्षित करने की बात कही गई है, 2 सीटें है ना दे सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। 333 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल में राज्यपालों को शक्ति दी गई है, अगर इनका प्रतिनिधित्व राज्य विधानमंडलों में नहीं है तो 1 सीट इनके लिए आरक्षित की जाएंगी, ये बात कही जाए। 336 में जो बताया गया, 336 के 1 और 2 में क्या कहा गया है, इसमें यह बताया गया है कि नौकरी में इनको आरक्षण देने की बात कही गई है कि अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसी के साथ 337 में देखा जाएगा तो स्कूलिंग शिक्षा के लिए अनुदान देने की बात कही गई है, इनको अनुदानित करने की बात कही गई विशेष शिक्षा के लिए, ठीक है। तो ये चार आर्टिकल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके लिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओबीसी आयोग या एनसीबीसी आयोग के बारे में, नेशनल बैकवर्ड क्लास के बारे में हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों, एनसीबीसी आयोग जो आपका है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज भी इसका जो चलता है मतलब चर्चाएं जो चलती हैं, अभी संसद में आप लोगों ने देखा है रिसेंटली, अभी आपको मुश्किल 2 दिन की पहले की घटना है कि संसद से ओबीसी बिल पास हो गया, सीटों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के और तमाम सारे विषयों पे उस पर चर्चा को लेकर के। ये कभी हम लोग इस पर आगे चल करके चर्चा करेंगे, आज हम लोग इसके आयोग के बारे में देखते हैं किस में संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में प्रावधान है, क्या पहले यह एक सरकारी संस्था थी या नहीं थी, और यदि आज है तो कब से है, और क्या तमाम सारे विषयों पर इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हैं इसी को ही पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं, एनसीबीसी आयोग भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, एक एक की डिटेल करते हैं कि नेशनल इस पे पिछड़े वर्ग के संदर्भ में देखते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रावधान कहाँ कहाँ गए किए गए हमारे संविधान में। तो इसमें देखते हैं, जैसे देखिए मैंने अभी बार बार आपको बताया कि सभी के लिए एससी एसटी आंग्ल भारतीय संविधान और बीसी के लिए ये प्रावधान पहले से ही संविधान में दिए गए हैं, लेकिन चूंकि जो एक पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है ना, समय के साथ बड़ा काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इसके लिए, बहुत सारे अधिकारों को लेकर के लड़ना पड़ा, बीपीसी मंडल कमीशन गठित किया गया, मंडल कमीशन संस्तुति दी और संस्तुति के आधार पर इनको आरक्षण की व्यवस्था की गई, फिर उनके कमीशन भी नहीं गठित किए गए, फिर आगे चल करके अभी रिसेंटली 2018 में कमीशन का गठन किया गया। तो बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में हम लोगों के हैं, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग आगे के क्रम में इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधी जो प्रावधान है उस संविधान में क्या क्या कहता है, वो कह रहा है प्रायः पिछड़े वर्ग के अंतर्गत उन जातियों को शामिल किया जाता है, कौन लोग पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण, इस पर देखेंगे, सामाजिक और शैक्षणिक। तो पूछता है बीसी आयोग यानी कि जो आपको आरक्षण मिलता है ओबीसी का, या बीसी कहिए या एनसीबीसी कहिए, एनसीबीसी आयोग है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, तो किस आधार पर आरक्षण दिया गया है बीसीओं को, तो उसमें बताया जाता है सामाजिक और शैक्षणिक दोनों आधारों पर, यानी कि सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको आरक्षण देकर के आगे की मूलधारा में आगे लाया जाए, बढ़ाया जाए उनको, और साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी उनको सुविधाएं दी जाएँ, ठीक है, फैसिलिटीज दी जाए। दोनों दृष्टि से पिछड़े जो हैं वो इस श्रेणी में आपके आते हैं। इसका निर्धारण केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, तो मतलब समय समय पर केंद्र सरकारें जो राज्य सरकारें इसका निर्धारित करती रहती हैं कि कुछ जातियों को बीसी की कैटेगरी में रख देती हैं और फिर बीसी में ना बेहतर होने की मतलब बैकवर्ड क्लास में रख देती हैं, बैकवर्ड क्लास में से कुछ सरकारें आती हैं तो उनको एससी आयोग में मतलब एससी में की श्रेणी में रख देती हैं, तो इस तरह के बड़े फेरबदल होते रहते हैं। तो वहाँ पर यही बात बताए कि सरकारें अगर चाहें किसी जाति को, मान लो आप सरकार हैं, केंद्र सरकार हैं, आपको लगता है कि कुछ जातियाँ जो हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बैकवर्ड क्लास में डाल सकते हैं। कोई राज्य सरकार चाहती है कि वो कोई कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, तो उनको आप बीसी आयोग मतलब उसमें बीसी की श्रेणी में रख सकते हैं। और सरकार को जब लगता है कि नहीं ये मतलब जो है अब पिछड़े नहीं रह गए हैं ये, तो उनको क्या कर सकता है, क्रीमी लेयर के दायरे में रख देगा उसको, मतलब अनारक्षित की श्रेणी में चलाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी हम लोग, एक एक करके सब देखेंगे।
देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 340 जो कहता है वो इसके बारे में विशेष प्रावधान करता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको आप याद रखिएगा। 340 अनुच्छेद 340 जो क्या कहता है, इसके तहत राष्ट्रपति महोदय, देखिए कोई भी कार्य जो होता है कार्यपालिका के सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, ऑलरेडी राष्ट्रपति के महोदय के नाम से, करती तो संसद है लेकिन नाम होता है राष्ट्रपति महोदय का, तो ये सारे काम जो करेगी वो संसद करेगी यानी प्रधानमंत्री करेगा या मंत्रिपरिषद करेगी, लेकिन नाम किसका होगा, राष्ट्रपति महोदय का नाम हो रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग की दशाओं और कठिनाइयों का अन्वेषण कर उसके सुधार हेतु सिफारिश करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद मतलब यानी कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो मेंबर, अभी तो बहरहाल इस समय सदस्यों की संख्या दूसरे रूप में है, यानी 3 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, मिला करके 5 सदस्य हैं और एक सचिव हैं, सचिव के फिर कई सारे फेज बने हुए हैं, तो कुल मिला के कहने का मतलब 5 सदस्यीय निकाय यह भी है, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निकाय आप लोगों ने देखा 5 सदस्यीय निकाय, वे लोग भी थे, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और बाकी 3 सदस्य हुआ करते थे, सेम ऐसा ही अभी वर्तमान समय में इसकी संरचना इस रूप में बन चुकी है। तो यहाँ पर वही कह रहा है अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति महोदय को शक्ति दी गई है कि वो क्या करें, पिछड़े वर्ग की दशा और कठिनाइयों को अन्वेषण यानी खोज करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए एक आयोग का पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, यानी कि एक कमीशन गठित करने की शक्ति अनुच्छेद 340 के तहत दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अब तक 2 पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया है, ये बात पुरानी है, मतलब अतीत की बात कर रहा है, पिछले समय की बात कर रहा है, 2 पिछड़े वर्ग आयोग गठित किए गए थे, तो पूछ सकता है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से रिसेंटली क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, ये संसद की कार्रवाई में भी आप लोगों ने OBC बिल को लेकर के अभी संसद ने पास कर दिया गया और ध्वनिमत से पारित हो गया, किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने इस OBC बिल को विरोध में कोई आया हो, सभी लोग सर्वसम्मति से इस बिल को पास कर दिया गया। क्या है उस बिल के बारे में, हमने अभी बताया आपको कि आगे चर्चा करेंगे उस बिल के संदर्भ में। तो देखिए क्या है, अभी ऐतिहासिक बैकग्राउंड में हम लोग चल रहे हैं, पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया था वो कब गठित किया गया था बच्चों, 29 जनवरी 1953 को पहला जो आयोग कमीशन गठित किया गया पिछड़ा वर्ग का, वो 29 जनवरी 1953 को गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता काका कलेकर ने की थी, काका कलेकर ने इस समिति की अध्यक्षता की थी, या तो कहिए कि पहला जो कमीशन गठित हुआ था इनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था, अध्यक्षता में काका कलेलकर समिति जो है, काका कलेलकर समिति जो है ये इसने अपना जो गठित हुई थी वो 29 जनवरी 1953 को गठित हुई थी, ये आयोग बना था। दूसरी जो समिति गठित हुई थी, दूसरी समिति 1 जनवरी 1979 को BP मंडल की अध्यक्षता में, बड़ी महत्वपूर्ण है ये, इसको ध्यान रखिएगा, कितने को 1 जनवरी 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का कमीशन गठित किया गया, पहला 9 जनवरी 1953 को गठित किया गया था, काका कलेलकर पूरा नाम है उनका, काका कलेलकर समिति, ठीक है, जो गठित की गई थी ध्यान रखिएगा ये 29 जनवरी 1953 को गठित की गई थी, पहली समिति थी ये, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो समिति गठित की गई थी 1 जनवरी 1979 को गठित की गई थी, बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये मंडल आयोग की कमेटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी को ही अभी आगे चल करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं विस्तृत रूप से, ठीक है। काका कलेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक मानदंड निर्धारित करने की सरकारी सेवाओं में इनके लिए आरक्षण की सिफारिश किया था। तो मतलब यानी कि पूछेगा, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि काका कलेलकर समिति जो है ये, इसकी सिफारिश में क्या बातें बताई गई थी BC के लिए, कि जो कि 1953 में 29 जनवरी 1953 को जो कमेटी गठित की गई थी उसने अपनी सिफारिश में क्या बात बताई थी। तो सिफारिश में उसने यही कहा था, सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड के आधार पर देने के, अभी जो आप लोग देखते हैं अभी मैंने पढ़ा यहाँ पर, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो जातियाँ हैं उनको BC की श्रेणी में रखने के लिए या BC की श्रेणी से हटाने के लिए जो बात कही गई थी वो किसने दी सिफारिश के आधार पर है, काका कालेलकर जो समिति है उनकी समिति की सिफारिश के आधार पर है, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण देने की सिफारिश की थी, ठीक है। लेकिन किंतु सामाजिक तथा शैक्षणिक मानदंड
अस्पष्टता परिभाषित न होने के कारण इस सिफारिश का को अमान्य कर दिया गया था। यानी कि जैसे इसमें बहुत स्पष्ट न होने के कारण से क्या नहीं स्पष्ट, शैक्षणिक मानदंड जो है अस्पष्ट थे, शैक्षणिक मानदंड जो थे वो अस्पष्ट होने के कारण से क्या कर दिया गया था कि इनकी सिफारिश जो की गई थी समिति की सिफारिश उसको अस्वीकार कर दिया गया था, एक तरह से कहिए मानना नहीं गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग बच्चों देखते हैं आगे बीपी मंडल जो कमेटी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्ज़ाम में भी और इसके बारे में जानना भी बहुत ही आवश्यक आपको है। बीपी मंडल आयोग द्वारा 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत रिपोर्ट में, तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1980 को बीपी मंडल कमेटी ने अपनी रिपोर्टें भेजी। गठित कब हुई थी, तिथि याद होनी चाहिए, 1 जनवरी 79 को गठित हुई थी और 2 साल बाद इन्होंने अपनी एग्जैक्टली 2 ईयर बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 79 में ये कमेटी गठित की गई थी और कमेटी ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में इन्होंने आरक्षण की बात कही थी, सुविधाएं देने की बात की थी। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आरक्षण की बात की थी। बीपी देखिए होता क्या है कि सरकार ने सर्वे कराया राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के आधार पर, ये आपने देखा अनुच्छेद 340 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो कमीशन गठित किया कर सकता है। तो दूसरा कमीशन जो गठित हुआ उसने अपनी बीपी मंडल की अध्यक्षता में उसने अपनी रिपोर्ट दी, कब दी, 31 दिसंबर 1980 को। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई देखिए बिछड़ों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है और इनको तो संविधान में काफ़ी आरक्षण देने की बात उन्होंने प्रावधान किया। उन्होंने यहाँ तक बात कही बीपी मंडल महोदय ने कि जितनी सीटें खाली हैं, मतलब जनसंख्या का जितना प्रतिनिधित्व बीसी का है उतना ही इसको आरक्षण देना चाहिए। क्या कहा कि जितना प्रतिनिधित्व है जनसंख्या का, बीसी की जनसंख्या का, उतना आरक्षण दे देना चाहिए। लेकिन उस समय की स्थिति में क्या था कि किसी भी दशा में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो आरक्षण जब 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता था तो उस स्थिति में क्या हुआ कि आप देखेंगे 15% एससी को आरक्षण मिला हुआ है और एसटी को अगर देखा जाए तो 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। तो कुल मिला के 21.5 या लगभग 22% आप आरक्षण की बात सोच लें कि ये इतनी सीटें हो गई, 22% आरक्षण इनके पास हैं और लगभग हैंडीकैप वगैरह को मिला करके देखेंगे 1% आरक्षण उनको हो जाता है, तो लगभग करीब 23% आरक्षण हो गया। अब बची सीटें कितनी अगर देखेंगे तो 50% तो अनारक्षित सीटें हैं, बाकी 50 में से 23 सीटें ये निकल गई, बचे 27% सीटें। तो सिफारिश में ये कहा गया कि जितनी सीटें बची हुई हैं वो सभी की सभी सीटें आयोग को दे दी जाए, मतलब बैकवर्ड क्लास को दे दी जाए, 27% सीटें देने की सिफारिश उन्होंने कही। क्योंकि देखिए उन्होंने प्रतिनिधित्व तो जितना परसेंट जनसंख्या थी उतने के लिए कहा था लेकिन सीटों के लिए उतने प्रावधान ही नहीं था संविधान में हमारे, आरक्षण किसी भी कंडीशन में 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये व्यवस्था जो दी गई थी तो वहाँ पर ये बात बताई गई थी। ठीक है, तो इस नाते जितनी सीटें थी उसमें आरक्षण 27% आरक्षण दे दिया गया। तो इस नाते कहा जाता है कि मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण देने की वकालत की थी, बात कही थी। लेकिन जान लीजिए हुआ क्या कि ये इतना ज़बरदस्त इसका जब ये रिपोर्ट अपनी आती है, मंडल कमीशन अपनी सिफारिश देता है और सरकार इसको पटल पर रखती है, इतना ज़बरदस्त तरीके से हंगामा होता है। लोग जो सवर्ण कैटेगरी के बच्चे हैं वो इसका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, मंडल का और मंडल कमंडल की बात होने लगती है, कास्टिज्म और सांप्रदायिकता इतनी, मतलब एक तरह से कहिए कि जातिवाद इतनी तेज़ी से हावी हो जाता है और इतनी हिंसा होने लगती है और लोग अपने आत्मदाह की स्थिति में लोग आ जाते हैं। बहुत सारे जो सवर्ण कैटेगरी के बच्चे हैं वो अपना आत्मदाह कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और सड़कों पर बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। इस चीज़ को देख करके सरकार सकते में आ जाती है और सकते में आने के कारण से उसको क्रियान्वित नहीं कर पाती है, तत्काल रूप से उसकी उसको ठंडे बस्ते में उन जो 80 में आई हुई जो सिफारिश रहती है उसको ठंडे बस्ते में रख देती है, उसके बाद उसकी सरकार भी चली जाती है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, फिर अब बात करेंगे इसको 90 के दशक में जब आएगा 10 साल बाद, तब यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री बीपी सिंह उसको देंगे, एक तरह से कहिए मंडल कमीशन के जिन को फिर निकालेंगे, फिर हु हल्ला मचेगा, हंगामा होगा, सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में पुनः इसको कमीशन को 93 में फिर ये लागू होगा। तमाम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, आइए पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं।
तो क्या करते हैं इसमें आगे क्या है, बीपी मंडल आयोग द्वारा 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत रिपोर्ट में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। इसके सिफारिश पर विचार करने के बाद में केंद्र ने अपनी जनता दल की सरकार को के मुखिया बीपी सिंह ने 1990 में इसे लागू करने की घोषणा कर दी थी। देखिए अब कमीशन ने दिया क्या रिपोर्ट अपनी दी थी कब, 80 में दी थी, ठीक है 80 में, 10 साल बाद, ठीक है जो इस मतलब एक तरह से कहिए कि जो सरकार थी बीपी सिंह की सरकार ने क्या है निर्णय लिया कास्ट जातीय आधार पर। उस समय देखिए वो दौर तबका है कि यहीं के बाद आप देखेंगे बाबरी मस्जिद वगैरह का जो दौर चलेगा, इसके बाद में 92 में बाबरी मस्जिद वगैरह तोड़ दी जाती है राम मंदिर निर्माण को लेकर के, और 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी या सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आडवाणी जी अपनी रथ यात्रा निकालते हैं गुजरात से लेकर के और पूरे भारत में भ्रमण करने की बात करते हैं, वो हिंदुत्व को जोड़ने की बात करते हैं। तो उस समय ये जो बीपी मंडल एक तरह से बीपी सिंह जो सरकार रहती है बीपी सिंह सरकार मतलब पिछड़ों की राजनीति करने के आधार पर एक तरह से कहीं आरक्षण देने की संभवतः से प्लानिंग करते हैं ये कि उधर हिंदुत्व तो एक तरफ चल रहा होता है लोगों के मध्य में, दूसरी तरफ ये बीसी को साधने के लिए आरक्षण की प्रावधान की व्यवस्था करते हैं और उसमें बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, सरकार मतलब बैकफुट पे आती है और फिर उसके बाद में कोर्ट के निर्णय के आधार पर जो निर्णय होता है फिर आगे के क्रम में उसको लागू किया जाता है। तो फिर क्या होता है सिफारिश लगभग उस पर अमल करने में देखिए 10 साल लग जाते हैं, 1990 में इसे लागू करने की घोषणा करती है लेकिन पूरे देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आरक्षण का विरोध होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, सरकार के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में क्या दे दी जाती है, इसको चुनौती दे दी जाती है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए एक खंडपीठ का गठन कर देती है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर देती है चुनौती देने के बाद में इसमें एक खंडपीठ गठित करती है। खंडपीठ ने अपना जो निर्णय दिया वो कब दिया, 1992 में दिया। क्या दिया निर्णय ने खंडपीठ ने, खंडपीठ ने निर्णय दिया कि भाई देखो सबको आरक्षण 27% आरक्षण देने की बात कर रहे हो, सबको देने की बात कर रहे हो ठीक है लेकिन एक तरह से ये इस रूप में नहीं लागू होगा जिस रूप में आप देना चाह रहे हो, है ना, ये लागू इस रूप में होगा। एक तरह से अगर मोटे व्यवहारिक शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो इसमें यही बात कही गई कि सभी बीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उन्हीं बीसी के लोगों को बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा जो क्रीमी लेयर के दायरे के अंदर आते हैं। बात समझ रहे हैं, मतलब क्रीमी लेयर उस समय देखिए क्रीमी लेयर के भी आज के मानक लगभग 8 लाख के करीब में हैं लेकिन पहले का मानक अलग था, 1 लाख रुपए मानक थे कि जिनकी वार्षिक इनकम 1 लाख रुपए होगी जिन बैकवर्ड क्लास के लोगों को वे आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त करेंगे और जिनकी इनकम 1 लाख से कम की होगी वे लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त करेंगे। यही क्रीमी लेयर समय के साथ साथ परिवर्तित होती रही, आगे चल करके बढ़ती घटती रही, मतलब मीन्स बढ़ती रही और आगे चल करके ये फिर स्थिति बनी कितनी, ये स्थिति बन गई है लगभग 8 लाख रुपए की इनकम के दायरे में, उससे 8 लाख ईयरली जिनकी इनकम है उससे कम है वे लोग बैकवर्ड क्लास का लाभ ले पाते हैं और जिनकी 8 लाख से अधिक है वो लोग बैकवर्ड क्लास का लाभ नहीं ले पाते हैं, आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने देखा कि EWS सरकार ने जो है आर्थिक रूप से जो सबड़ बच्चे हैं उनको आरक्षण देने के लिए यही व्यवस्था, यही सेम कंडीशन लगाई कि उन लोगों की भी 8 लाख से कम की इनकम सभी सबर्ड कैटेगरी के लोग EWS के दायरे में आएंगे, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको इस दायरे में रखा गया है और जो इनकी व्यवस्था उससे अधिक की है वो भी अनारक्षित हैं। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं बात को क्या है, यहां पर बीसीओ में एक तरह से क्रीमी और नॉन क्रीमी बना दिया गया है, उसी तरह से आज वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार में इन्होंने भी एक बिल ला करके ऐसा कानून बना दिया है कि जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए विशेष व्यवस्था 10% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था वहां पर भी कर दी गई है। आइए आगे हैं। तो खंडपीठ ने 1992 में क्रीमी लेयर को अलग करते हुए, क्रीमी लेयर वही मैंने बताया जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से उस समय लेकिन आज वर्तमान समय में लगभग 8 लाख रुपए है को अलग करते हुए अन्य पिछड़े लोगों को 27% आरक्षण को वैध ठहरा दिया। अब देखिए कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया कि भाई देखिए बीसी को आरक्षण देना गलत नहीं है, कोर्ट ने भी कह दिया लेकिन जिनकी इनकम वही 1 लाख रुपए के दायरे के अंदर है ईयरली और जिनकी ज्यादा है उनको बाहर कर दिया गया, ठीक है। केंद्र एवं राज्य सरकारों को अस्थायी रूप से एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का निर्देश दिया गया, ठीक है।
यानी कि वहीं से कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि क्या करेंगे आप लोग, केंद्र और राज्य सरकारों में दोनों में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का आदेश वहाँ से जारी कर देते हैं। और संसद ने फिर क्या किया, संसद ने क्या किया कि 1993 में एक कानून पारित कर केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। ठीक है, बीसी आयोग एक संवैधानिक निकाय न होकर एक विधिक आयोग है, इसके द्वारा निर्देशित सुझाव को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ये बात कब हो रही है, ये पहले की बात हो रही है कि कब, जब 2000, एक तरह से कहिए कि 2018 के पहले के स्थिति में है, 2018 के पहले की बात ये कह रहा है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग कि जो ये व्यवस्था है कि पहले संवैधानिक निकाय नहीं था, लेकिन 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में, अगस्त 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसे NCBC आयोग कहा गया। ठीक है, तो NCBC आयोग जो आपका है, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लास जो है ये गठित किया गया, ये गठित कर दिया गया है। यानी बीसी आयोग कहिए, चाहे ओबीसी आयोग कहिए, या इसको एनसीबीसी आयोग कहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। अब यह भी सेम जैसे SC ST आयोग है उसी की तरह से अब इसका भी बिहेवियर हो गया, उसी तरह से यह भी कार्य संचालित और क्रियान्वित करता है अपना। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ चीज़ें, आयोग का गठन कैसे कैसे क्या चीज़ें की गई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है, वही बहुसदस्यीय यानी कि 5 सदस्यीय आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और बाकी 3 सदस्य होते हैं, जैसा कि SC और ST आयोग में भी आपको देखने को मिला था, सेम वही कंडीशन है। इसमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, सेम वही बात है। इस आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, मतलब यानी कि यहाँ कर ये मतलब इनके लिए भी न्यायपालिका से मेंबर होना ज़रूरी होता है, जैसे और जगहों पर है। ठीक है, तो क्या कर दिया जाता है इसमें, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, तो इसका सदस्य बन सकता है ये। ठीक है, अध्यक्ष होने के लिए बात कही गई है। आगे है, एक सदस्य समाज विज्ञानी, यानी कि बाकी जो इसके जो 3 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स के बारे में आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, एक जो व्यक्ति होता है वो समाज विज्ञानी यानी समाज का विशेष ज्ञान रखने वाला हो समाज के संदर्भ में, और 2 ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें पिछड़े वर्ग के संबंध के मामले में विशेषज्ञता यानी विशेष ज्ञान का अनुभव रहा हो, तो उनको रखा जाएगा। ठीक है, एक सदस्य जो सचिव भारत सरकार या उस स्तर पर केंद्र सरकार का कोई अन्य कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी हो सकता है, तो एक सदस्य, इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि 5 सदस्य होते हैं लेकिन एक सचिव का भी पद होता है, वही बात बता रहे हैं कि वो केंद्र सरकार में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी हो सकता है, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, सेम कंडीशन वही है जो बाकी चीज़ों के लिए थी। अब सदस्यों के कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, आपने पिछले बारों में भी देखा कि उनके कार्यकाल जैसे 3 वर्ष के लिए होते थे, एक व्यक्ति दूसरे कार्यकाल में भी जा सकता है, यानी कि 2 बार इलेक्ट हो सकता था, तो सेम कंडीशन इसमें भी यही होगी। इस आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए है। कोई भी सदस्य किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है, तो सामान्य सी बात है। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के आयोग के लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है या उसका पद पर बने रहना पिछड़े वर्ग के हितों के अनुकूल न हो, तो उसे निलंबित किया जा सकता है। यानी कि बात आप समझ गए होंगे कि अगर कोई एक तरह से कहिए कि संवेदनहीन दिख रहा है बीसी आयोग को लेकर के, तो उनको राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं, उनके पद से किया जा सकता है। तो ये तो थोड़ा सा था आप लोगों को बीसी आयोग के बारे में, एनसीबीसी आयोग के बारे में, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लास के बारे में हम लोगों ने देखा, आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में देखा। उम्मीद है कि आप सभी लोग ये जो चारों क्लास जो हम आर्टिकल 16 में सॉरी भाग जो 16 में जो आप लोगों ने पूरी तरह से इसको पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने देखा कि इसमें जो 4 कैटेगरी के लोगों को विशेष आरक्षण देने की बात कही गई थी, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक के मध्य में आप लोगों ने देखा था, 330 से 342 यानी 12 आर्टिकल्स के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी। इसमें 4 लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय और पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान किए गए थे। तो आज हम लोगों ने इन 4ों के बारे में जो संविधान में उल्लेखित बातें बताई गई हैं, जो इनके लिए सुविधाएँ दी गई हैं, इनको आगे उत्थान करने के लिए जो
प्रावधान किए गए हैं, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। अब उम्मीद है कि आप लोग इस स्थिति में आ चुके होंगे कि इनके संदर्भ में कोई लेख अगर आपको लिखने को आता है, कोई टिप्पणी लिखने को आती है, तो आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। और साथ ही साथ आपके पास तथ्य भी उपलब्ध हो गए हैं कि किन अनुच्छेदों के माध्यम से किसका प्रतिनिधित्व हो रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको प्री और मेंस दोनों में बहुत काम आएगा। आप लोगों ने इतना ध्यान से इस वीडियो को देखा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।